नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमें आपके लिए GIB, DBF और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये वीडियो हम उन मित्रों के लिए बना रहे हैं जो GIB की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। GIB की तैयारी करने के साथ में वो मित्र जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है और ये चाह रहे हैं कि आने वाले 25 दिन, आज तारीख है आपकी 10 अप्रैल हो गया, 10 अप्रैल से आपका दो मई को, 2 मई को आपका पहला पेपर है, तो करीब करीब आपके पास 25 दिन बचे हैं। ये 25 दिन में क्या तैयारी करके आप तीनों पेपर पास कर सकते हैं, ये बहुत सारे मित्रों का सवाल है और यही सवाल हम यहाँ पे आपका सॉल्व करना चाहते हैं। परंतु मैं आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज फॉर बैंकर्स हु आर येट टू स्टार्ट देयर GIB प्रिपरेशन। वी नेवर रिकमेंड टू स्किप एनी मॉड्यूल ऑफ एनी पेपर while preparing, so take your own decision while reading. Always read complete syllabus to crack the exam with good marks. परंतु ऐसा भी नहीं है कि आप 25 दिन में तैयारी नहीं कर सकते। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बात यह है कि आपको समय देना पड़ेगा। 25 दिन में टफ होगा आपके लिए, तैयारी करना मुश्किल होगा, तीन पेपर हैं, काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, परंतु यहाँ आपको फोकस्ड रह के तैयारी करनी पड़ेगी और 25 दिन एक्सक्लूसिवली आपको तैयारी के लिए देने पड़ेंगे, तो आप निश्चित रूप से 25 दिन में भी तीनों पेपर्स पास कर पाएंगे। ये हमारा प्रयास है और इसी प्रयास के तहत हमने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। देखिए, पहले आप मॉड्यूल्स के बारे में समझ लीजिए। आपके तीन पेपर हैं GIB के, PPB, LRAB और AFB। PPB, AFB और LRAB। पहला पेपर जो हमारा है वो है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का। पहले तो आप ये समझिए, दो चीज़ें हैं हमारी, बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस। लॉ एंड प्रैक्टिस, जब भी आप एग्जाम देंगे, ठीक है, ये प्रैक्टिस को भूल जाइए, सिर्फ हमको लॉ के हिसाब से चलना है। तो जो भी आप आंसर देंगे वो लॉ को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर्स देने हैं, ओके। चलिए अब बात करते हैं मॉड्यूल्स के बारे में। देखिए, इसमें 5 मॉड्यूल हैं आपके, जो पेपर 1 है आपका PPB का, उसमें 5 मॉड्यूल हैं। पहला मॉड्यूल है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, दूसरा फंक्शंस ऑफ बैंक, तीसरा बैंकिंग टेक्नोलॉजी, चौथा मार्केटिंग और 5वां एथिक्स, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जब आप PPB की तैयारी करेंगे उसके साथ आपको LRAB की भी तैयारी करनी है। देखिए, लीगल वाला जो पेपर है वो भी बैंकिंग का है और ये प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग है और ये लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग है, तो ये दोनों पेपर हमारे बैंकिंग के हैं, आपको दोनों पेपर्स की एक साथ तैयारी करनी है। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर PPB और LRAB में कॉमन आते हैं। जैसे मैं जब आपको LRAB के बारे में बताऊंगा तो बताऊंगा PPB का क्या कॉमन है LRAB में। इसके अलावा जब आप AFB पढ़ेंगे, AFB का जो मॉड्यूल डी है, मॉड्यूल डी है आपका ऑपरेशनल बैंकिंग का, तो ये भी अकाउंट्स का चैप्टर नहीं है, ये भी बैंकिंग का चैप्टर है, तो ये मॉड्यूल डी भी हम इसी के साथ तैयार करेंगे, ओके। तो अब हम बात करते हैं तैयारी की। अब हम बात कर रहे हैं PPB प्लस LRAB और मॉड्यूल डी ऑफ AFB, ये हमको एक साथ पढ़ना है, इनकी तैयारी हमको एक साथ करनी है और इसके लिए हमारे पास टाइम है 20 अप्रैल तक का, यानी 11 से 12 दिन में हमको इसको फिनिश करना होगा, क्योंकि 20 से 25 का जो टाइम है वो हम लेंगे AFB के पेपर की तैयारी के लिए, अकाउंट एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स के लिए, और 26 या 27 से 2 तारीख तक आप PPB की फिर से तैयारी करेंगे, ताकि 2 मई को जो 2 मई को हमारा एग्जाम है उसको आप अच्छे से क्रैक कर पाएँ, अच्छे मार्क्स के साथ में पास कर पाएँ, ठीक है। अब PPB की बात करें, PPB में देखिए, मैंने जैसा आपको बताया है आपके 5 मॉड्यूल्स हैं। अब इसमें से जो मॉड्यूल ई है, ये मॉड्यूल ई आपको थोड़ा सा टफ लगता है, कई बार जब भी कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं तो मॉड्यूल ई को लेके थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछला जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ मॉड्यूल ई से पूछे गए थे, तो अगर आपको स्किप करना हो, मैं आपको फिर से सलाह नहीं देता कि कुछ भी स्किप करिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप सारा पढ़िए, अगर टाइम नहीं है तो आप इस मॉड्यूल को स्किप कर सकते हैं। दूसरा, जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तब आप अपने आप को, जब मॉड्यूल ई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, देखिए क्वेश्चन आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मॉड्यूल ई से कोई क्वेश्चन आए तो आप अपने आप को एक आदर्श बैंकर मान के इसका जवाब दें, तो हो सकता है कि गैस वर्क में भी आपका क्वेश्चन सही हो जाए। मॉड्यूल ई से पिछली बार 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, इसलिए अगर प्रायोरिटी देनी हो तो मॉड्यूल ई को लास्ट प्रायोरिटी देंगे, और अगर टाइम नहीं है तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए, मॉड्यूल ए से जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपको, वो क्वेश्चन थे, पिछले पेपर की बात कर रहा हूँ, 40 क्वेश्चन आपको मॉड्यूल ए से आए थे, 55 क्वेश्चन आपको मॉड्यूल बी से पूछे गए थे,
मॉड्यूल सी से थे हमारे 15 क्वेश्चन और मॉड्यूल डी से थे हमारे 12 क्वेश्चन और 4 से 5 क्वेश्चन ये थे। इस तरह से 120 क्वेश्चन आपके टोटल आते हैं, 2 क्वेश्चन प्लस माइनस हो सकते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, सबसे पहला है आपका मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड जिनको हम केस स्टडी भी कह देते हैं वो क्वेश्चन आते हैं। तो मॉड्यूल बी को आपको किसी भी हालात में नहीं छोड़ना है, इसकी जम के तैयारी करनी है। उसके बाद आते हैं आपके मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी। देखिए जहाँ तक मॉड्यूल सी का सवाल है, ये है बैंकिंग टेक्नोलॉजी का, ठीक है, छोटा मॉड्यूल है, जल्दी कवर हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं, काफ़ी सारे लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, तो उनके लिए बैंकिंग टेक्नोलॉजी का जो मॉड्यूल है वो उतना टफ नहीं जाएगा, काफ़ी इजी जाएगा। तो ये मॉड्यूल आपका आसानी से तैयार हो जाएगा, ठीक है। बात रही मॉड्यूल डी की, मॉड्यूल ए पे अभी मैं नहीं आया हूँ, मॉड्यूल डी की जहाँ तक बात है ये है मार्केटिंग का। इसको पढ़ते टाइम में आपको ये ध्यान रखना है, देखिए मार्केटिंग में 12 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, इसको पढ़ते टाइम में आपको जब आप इस मॉड्यूल की तैयारी करेंगे तो आप अपने आप को एक सेल्समैन के तौर पे मान के चलें कि आप एक सेल्समैन हैं। और सेल्समैन भी कैसे हैं, आइडियल सेल्समैन हैं। एक सेल्समैन को अपना प्रोडक्ट बेचते समय किस तरह से मार्केटिंग करनी है, अगर इस तरह से आप इस मॉड्यूल को पढ़ेंगे तो आपके लिए इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा, तो आपके क्वेश्चंस भी बड़े आसानी से हो पाएंगे। अब बात आती है मॉड्यूल ए की। मॉड्यूल ए से चूंकि 40 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आधा और एक नंबर के क्वेश्चन, मॉड्यूल ए से और मॉड्यूल सी से एक नंबर के और आधा नंबर के क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं, तो ये मॉड्यूल्स को दोनों को आपको पढ़ना है। अब बात आ गई हमारी स्किप करने की, तो जहाँ तक स्किप का सवाल है, अगर मॉड्यूल ई को आप छोड़ भी देंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपको 80-85-90 क्वेश्चन तक इन 4 मॉड्यूल से मिल जाएंगे, क्योंकि इस मॉड्यूल से मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आएंगे तो 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आपके 120 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 110 क्वेश्चन ये 4 मॉड्यूल से मिलेंगे, और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी, आपको समझने में भी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको सारा पढ़ना है, उनके लिए कोई स्किप करने का सवाल नहीं है, और जो अभी अभी तैयारी शुरू करने वाले हैं या 1-2 दिन पहले जिन्होंने तैयारी शुरू की है वो चाहें तो मॉड्यूल ई को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके 5 मॉड्यूल हो गए, इसमें 5 में से 4 मॉड्यूल आपको निश्चित रूप से करने हैं। कोशिश ये हो कि 16 अप्रैल तक, आज 10th है, 16 अप्रैल तक आपका पीपीबी का पेपर पूरा हो जाना चाहिए। तो ये तो बात हो गई हमारी पीपीबी की। अब देखिए पीपीबी के साथ में आपको एलआरएबी की भी तैयारी करनी है। पहले मैं थर्ड पेपर पे आता हूँ, एएफबी वाले पेपर पे हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले थर्ड पेपर पे आ रहा हूँ मैं, लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग, ठीक है। ये लास्ट पेपर है, छोटा है, इसके लिए 4 से 5 दिन का आपको टाइम देना है, ठीक है। हमने टारगेट किया है कि हमारा 20 या 21 अप्रैल तक, हम मई 2021 एग्जाम की बात कर रहे हैं, ओके। तो 20 से 21 अप्रैल तक हमारा पीपीबी प्लस एलआरएबी पूरा हो जाएगा, और इसके साथ एएफबी का भी मॉड्यूल डी हम पूरा कर लेंगे। ये तीनों को आपको फोकस करते हुए तैयारी शुरू करनी है, तो इसको 4 से 5 दिन आपको देने हैं, ठीक है। अब 4 से 5 दिन में आप कैसे तैयारी करेंगे, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका वो है मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी। मॉड्यूल बी क्या है, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन। मॉड्यूल सी है आपका लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, ओके। लीगल एस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो लीगल एस्पेक्ट में आपका क्या आता है, जैसे आपका सरफेस ही है, नहीं, ये मॉड्यूल बी में लीगल एस्पेक्ट में आपका डिफरेंट टाइप बोरोअर, क्रेडिट फैसिलिटी, इंडेमनिटी, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सब दिया हुआ है। थर्ड है आपका बैंकिंग रिलेटेड लॉ, इसमें आता है आपका सरफेसी, ठीक है। मॉड्यूल सी में सरफेसी, डीआरटी, लोक अदालत, लिमिटेशंस, ये सब दिया हुआ है। जब आप पीपीबी की तैयारी कर रहे होंगे और वहाँ एनपीए का चैप्टर पढ़ेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, तो आप ये सरफेसी, आप DRT, लोक अदालत, लिमिटेशन, ये सारा पढ़ चुके होंगे, तो ये आपके लिए बेसिकली रिपीटेशन है, परंतु इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। ऐसे ही मॉड्यूल डी भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल डी में देखिए क्या है, मॉड्यूल डी से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, जब पीपीबी आप एलआरएबी की तैयारी कर रहे हैं, लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप शुरुआत डी से कर सकते हैं। डी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से आपको पूछे जाते हैं, जैसे कोपरा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ओम्बड्समैन है, KYC है, PMLA है, ठीक है, ये इसमें सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सारा बैंकिंग है, इसमें कुछ भी डिफरेंट कुछ भी नहीं है। पीपीबी और एलआरएबी दोनों कॉमन पेपर जैसे हैं, तो कॉमन ही आपको तैयारी करनी है। तो ये मॉड्यूल डी की तैयारी हो गई आपकी। फिर ये जो है आपका सरफेसी, डीआरटी, लोक अदालत, जो मॉड्यूल सी है, ये आप एनपीए वाले चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ आपका रिपीटेशन हो जाएगा, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें, इसमें से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आएगा अपना मॉड्यूल डी।
ठीक है, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, इसमें बैंक गारंटी से रिलेटेड, आपका वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड, सिक्योरिटी एंड बोर्ड ऑफ चार्जेज उससे रिलेटेड, इस तरह के आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे लास्ट में आपको पकड़ना है मॉड्यूल ए, आपका मॉड्यूल ए से कम क्वेश्चन आते हैं। अगर टाइम कम है तो मॉड्यूल ए से फोर्थ चैप्टर जो है हमारा, फोर्थ चैप्टर है हमारा कौन सा, रिटर्न इंस्पेक्शन वाइंडिंग अप मर्जर एंड एक्विजिशन, इससे क्वेश्चन आते हैं, उसको जरूर पढ़ लें। बाकी चीज़ें अगर छूट भी जाएँ तो आप ये तीन से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्लियर हो गई बात मेरी? तो मैंने आपको क्या बताया, हम शुरुआत करेंगे मॉड्यूल डी से। मॉड्यूल डी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मॉड्यूल डी से किस तरह के, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऑम्बर्समैन, KYC, PMLA, इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं यहाँ। दूसरे भी आपको अनपेड सेलर्स क्या हैं, कंपनी अकाउंट के बारे में दिया हुआ, कंपनी अकाउंट आप AFB में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो ये मॉड्यूल डी आपको करना है, उसके बाद आपको जाना है मॉड्यूल सी पे, फिर मॉड्यूल बी पे, और मॉड्यूल ए के लिए अगर टाइम नहीं लगे तो चैप्टर नंबर 4 जो मर्जर एंड एक्विजिशन का है उसको जरूर कर लें। मॉड्यूल बी भी काफ़ी आसान है, मॉड्यूल बी भी काफ़ी आसान है, इससे छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आप मन में ये कॉन्फिडेंस लेके जाएं कि JIB का पेपर काफ़ी आसान आता है। देखिए ये 12th स्टैंडर्ड का पेपर है, और आप में से बहुत सारे लोग BTEC किए हुए हैं, MCOM किए हुए हैं, काफ़ी ओवर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जो JIB में अपीयर हो रहे हैं। तो आपको पूरे कॉन्फिडेंस से जाना कि ये 12th स्टैंडर्ड का पेपर आता है, बहुत टफ पेपर नहीं आता है, बस वो आपकी बेसिक नॉलेज चेक करते हैं। मॉड्यूल ए का मैंने आपको बता दिया है, टाइम मिले तो कर लें, नहीं तो उसमें से फोर्थ चैप्टर को जरूर कर लें, ठीक है। अब देखिए जो LRAB का पेपर है, ये सबसे छोटा पेपर है। LRAB हमारा तीनों पेपर में सबसे छोटा पेपर है। इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपको 50 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। और जिन्होंने पूरी तैयारी की है, जिन्होंने टाइम से तैयारी शुरू कर दी है, उन कैंडिडेट के 70 से 75 मार्क्स बहुत ही आसानी से आते हैं। पिछले एग्जाम में भी जो दिसंबर में एग्जाम हुआ, हमारे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 75, 80, 83 तक उनके मार्क्स आए हैं। कहने का मतलब यह है पेपर काफ़ी आसान होता है, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे दो पेपर कवर हो गए, PPB और LRAB। अब हम बात करेंगे थर्ड पेपर के बारे में, जो है हमारा AFB का पेपर। ओके, चलिए AFB के बारे में बात कर लेते हैं, पीछे आ जाते हैं। ये है हमारा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स। इसमें भी 4 मॉड्यूल हैं। पहला बिजनेस मैथमेटिक्स का है, ये है बिजनेस मैथमेटिक्स, ये है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये फाइनल अकाउंट, और चौथा बैंकिंग ऑपरेशन। देखिए मैंने जैसा बताया, बैंकिंग ऑपरेशन की तैयारी हम PPB और LRAB के साथ कर चुके हैं। अब आपको सिर्फ इसको रिवाइज करना है, ठीक है। यहाँ से कम 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 20 मार्क्स आपके सिर्फ ऑपरेशनल जो बैंकिंग है वही कवर करता है। देखिए एक तो आप ये ध्यान रखें, ये जो 25 दिन है, जब आपके पास ऑफिस में भी टाइम होता है तो जो आपके सीनियर कलीग्स हैं उनके साथ बहुत सारे मैटर्स को डिस्कस करें, जैसे कैश के ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं, क्लियरिंग के ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं, ये सारी चीज़ें आप बैंक में बैठ के भी डिस्कस कर सकते हैं। KYC के बारे में उनकी राय पूछें, KYC में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं, क्या OVD होता है, ये सब चीज़ें आप बैंक में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो मॉड्यूल डी आपने कर लिया तो 20 मार्क्स आपके पक्के हो गए। अब देखिए 30 मार्क्स के लिए हमको बाकी की तैयारी करनी है। हमको तो 50 मार्क्स चाहिए, यानी तीनों पेपर करेंगे तो हमारे 45 भी AFB में आएंगे, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले मॉड्यूल ए पर, जहां पे बिजनेस मैथमेटिक्स दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा मुश्किल जाएगा नॉन कॉमर्स वालों के लिए। नॉन कॉमर्स वालों के लिए मुश्किल इसलिए जाएगा कि उन्होंने डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एनुइटी, यील्ड टू मैच्योरिटी, फॉरेक्स इसके बारे में पढ़ा नहीं होता है। परंतु इसमें जितने भी चैप्टर हमारे दिए हुए हैं उसमें इंटरेस्ट एंड एनुइटी, YTM, आपका डेप्रिसिएशन से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फॉरेक्स, ये 4 चैप्टर को जरूर कर लें आप, ठीक है। तो ए में से ये 4 चैप्टर आपको करने ही करने हैं। अब बात आती है बी और सी की। बी और सी में सबसे पहले प्रेफरेंस दें आप सी को। सी में भी कंपनी अकाउंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपनी अकाउंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बी और सी में अगर आप आएंगे तो सी में कंपनी अकाउंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट रेशियो एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको, मैं नहीं समझता कि बैलेंस शीट को समझने में किसी भी तरह की परेशानी होगी। इसके अलावा जो मॉड्यूल सी है वो काफ़ी छोटा है पर इम्पोर्टेंट बहुत है, टाइम कम लेगा और क्वेश्चंस आपको काफ़ी सारे देगा। अब बात करते हैं मॉड्यूल बी की। मॉड्यूल बी जो है आपका अकाउंट से रिलेटेड जो है, इसमें से 1 नंबर के और आधे नंबर के क्वेश्चंस आते हैं,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मॉड्यूल बी करना है। देखिए अब आपको यहाँ चार मॉड्यूल है, एक तो आप पहले से ही कर चुके हैं, बचा आपका दो इंपॉर्टेंट, तीसरे में मैंने आपको टॉपिक सेलेक्ट करके दे दिए हैं, तो आपको इसी तरह से तैयारी करनी है। आपको तीन ही मॉड्यूल करने हैं, डी तो आप पहले से कर ही चुके हैं, तो एएफ भी आपको कब तक ख़त्म करना है, 25 तक, कोशिश करें कि 25 तक ख़त्म हो जाए, नहीं तो 26 तक इसको किसी भी हालत में ख़त्म करना है। लास्ट का जो वीक है हम पीपीवी की तैयारी के लिए करेंगे, लास्ट के वीक में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग करेंगे और पूरा हफ्ता आपको उसको रिवाइज करने को मिलेगा। फिर से कह रहा हूँ डिस्क्लेमर के तौर पे कि कुछ भी नहीं छोड़ना है, जो लोग अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं उनको कुछ भी नहीं छोड़ना है, परंतु जिनके पास टाइम कम है वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ सकते हैं, प्रायोरिटी मैंने आपको पहले से ही तय करके दे दी है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फोकस तैयारी करने में मदद मिलेगी। मॉक टेस्ट जरूर कर लें, ध्यान रखें मॉक टेस्ट आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ने हैं, मॉक टेस्ट आपको जरूर करने हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा। दोस्तों हमारी वीडियो लाइब्रेरी आपके लिए उपलब्ध है, कम समय है, कम समय में अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो लाइब्रेरी के थ्रू जाएं। मैकमिलन की 600 पेज वाली बुक ना पढ़ें, कन्फ्यूज हो जाएंगे, ओल्ड कंटेंट है, तो हमारी वीडियो लाइब्रेरी आपको हेल्प करेगी। देखो आपको तीनों पेपर यहाँ मिलेंगे, एएफ बी, पीपीबी और एलआरएबी, क्रिस्प है, शॉर्ट वीडियो है, फोकस्ड वीडियो है, फोकस कंटेंट है। चाहें तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं आप, वेबसाइट हमने दी हुई है आपको www.motivationalbanker.com। यहाँ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको, आपको पीडीएफ मिल जाएगा यानी ई बुक मिल जाएगी जिसको आप डाउनलोड करके नोट्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको तैयारी करने में इससे काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये हमने वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ से आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे सब्सक्राइबर चाहें तो यूट्यूब के हों या हमारे वेबसाइट के हों, हमारा थम्सअप के द्वारा मैसेज लिखकर हौसला बढ़ाते रहते हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं हमको थम्सअप करते रहते हैं, हमारे वीडियोज को लाइक करते हैं, मैसेज लिखते हैं हमारे लिए। पूरी टीम मोटिवेशनल बैंकर आप सभी व्यूअर्स का, सभी सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जम के मेहनत करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। कहा जाता है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, एक बहुत बढ़िया शेर है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। आपको लड़ना है और लड़के जीतना है, हमको लड़के भी हारना नहीं है, हमको लड़के जीतना है, ठीक है। तो हम आपके जीआईबी एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए तीनों पेपर आप एक ही बार में क्रैक करें, ऐसी हम आपको शुभकामनाएँ देते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो थम्सअप करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें हमें कि वीडियो आपको कैसा लगा, हम आपके लिए इस तरह के एजुकेशनल वीडियो लाते रहेंगे, हम कंटिन्यू आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं, एग्जाम के टाइम पे भी हम आपको तैयारी कराते रहेंगे, आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। पुनः आपका समय देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।